लोग कहते हैं ना कि महिला करेगी क्या, लेकिन महिला तो आजकल इतनी आगे हैं कि आपको दर्शाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप देख रहे हैं, आप लोग कहेंगे मेरा परिवार घरेलू हिंसा मुक्त परिवार, इस तरह से आप देख रहे हैं बैनर तले जिस तरह से है अपना रोजगार। भैया हम पैसा कमाते हैं अपने लिए, लेकिन अपना रोजगार देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन रोजगार देना इस तरह से, अगर इस देख सकते हैं बैनर तले आपको दिखाया जाएगा कि अपना रोजगार होता क्या है, और इस पे हम चर्चा भी करेंगे। इसमें अच्छी अच्छी डिजाइन है जो भी आप देख रहे हैं, इधर से आप देख सकते हैं महिलाओं के लिए सारी व्यवस्थाएँ। सबको लगता है कि नहीं ब्रांड, एक ब्रांड होना चाहिए, लेकिन गांव के जो ब्रांड है ना गजब का ब्रांड है। आप देख रहे हैं इस तरह से जिसके हाथों से बनाया गया है, उस हाथों को और वो संचालित करती महिला कौन है, ये मन में कैसे आया कि इस रोजगार को ऐसा उत्पन्न करें कि जहां ब्रांड लोग कहते हैं ब्रांड कहना छोड़ दें। हमारे बीच में है, आप देख सकते हैं इनसे ही बात करते हैं, महिला विकास मंच की संचालक है, इनसे ही बात करते हैं। कैसे मन में ख्याल है कि रोजगार जहाँ कहते हैं लोग कि अपना रोजगार बड़ा मुश्किल से मिलता है। देखिए कई बार चूंकि घरेलू हिंसा और प्रताड़ना से तो चीजें होती नहीं, जब तक महिला खुद सशक्त ना हो जाए ना तो हिंसा कम नहीं होगी। तो महिलाओं को सशक्त कैसे करें, जो पढ़ी लिखी है वो कहीं जॉब कर लेती हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं उनको भी नौकरी मिल जाती है, 5,000-7,000 काउंसलर बन गई कहीं चली गई, लेकिन जो घर की घरेलू महिलाएं हैं जो घर से निकल नहीं सकती हैं उन्हें सिलाई कढ़ाई बुनाई ये सब की ट्रेनिंग, तो हर काम तो वीना मानवी अकेले कर नहीं सकती। तो इसलिए आप देख रहे होंगे अब प्रीति डिजाइनर स्टूडियो जो कि मेरी सदस्य है। अच्छा। और उसे फिर लास्टली हम लोगों ने डिसीजन लिया कि नहीं, टोटल जहाँ जहाँ बिहार में या इंडिया में सिलाई सेंटर चल रहे हैं उनका ब्यौरा रखना। 500 रुपया सिलाई का फीस लेते हैं हम लोग महीना, बच्चियों से 500 रुपया महीना दिए और 500 रुपये उनके पति भी दे दी कुछ, उसमें उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, फिर उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है, फिर उनको जब वो पूरा सीख जाती हैं फिर महिला विकास मंच की तरफ से एक सिलाई मशीन दी जाती है और इस तरह सशक्त बनाती है। देख लीजिए इस तरह से कोई संस्था अब तक नहीं किया होगा। आप इस कपड़े को देखकर, इसकी हुलिया को देखकर समझ सकते हैं कि ये कपड़ा अभी जाएगा तो ब्रांड कहलाने लगेगा, अगर किसी शोरूम में जाता है तो तुरंत इसे लोग कहेंगे ये ब्रांड है ब्रांड इसका, अगर लोग कहेंगे कि 10,000 भी दीजिए तो लोग देने के लिए तैयार हो जाएंगे इस तरह से। लेकिन ये अपना रोजगार है और खुद से तैयार किया जाए, चारों तरफ आप देख सकते हैं, उधर भी देख सकते हैं, चूंकि तैयार करने में इतने कितना समय लगता है, एक रोजगार भी है। अब इनसे बात करते हैं, क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम प्रीति है। थैंक यू। ये सब कैसे मन में ख्याल आया कि गांव की महिलाएं, गांव की यादें और गांव की जो अपनापन, इसमें अपनापन झलक रहा है जैसे अपने खुद से किया, कैसे ख्याल आया? एक्चुअली ये महिला विकास मंच के सहयोग से अपना रोजगार इस अमृत महोत्सव में 15 अगस्त के दिन इसका शुभारंभ किया गया है, क्योंकि दी जो है वो महिलाओं के हिंसा के लिए काम करती हैं। फिर इनके मन में ख्याल आया कि अगर हिंसा होती है तो कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पाता है उसके वजह से हिंसा होती है, या अगर कोई बेसहारा है तो उसको कोई ना कोई रोजगार मिलना चाहिए तभी वो सशक्त होगी। तो इसके लिए दीदी ने इस बार अमृत महोत्सव पर इसका शुभारंभ किया है अपना रोजगार का, और बहुत पूरे बिहार से दीदी के जितने सदस्य हैं सब जगह इसका मतलब कि ब्रांच खुल चुका है। जिस तरह से यह बनाई है, सब कुछ बनाया गया है, जो जिस तरह दिखाया जा रहा है सिलाई कढ़ाई बुनाई जो भी जैसे किया जा रहा है, तो यहीं पे सारा कुछ हो जाता है, सब कुछ यहाँ पे होता है। और जो सदस्य बाहर जो पटना से बिहार में दूर में है उनको हम लोग यहाँ बिहार महिला उद्योग मेला में जो नहीं आ सकती तो उसको हम लोग थोड़ा इसको अगर देखा जाए, इसको अगर बेचना होता है तो आप लोग ग्राहक तक अगर देख लिया जाए ग्राहक तक कैसे पहुंचा पाती है? यहाँ बहुत तरह का एग्जीबिशन लगता है। अच्छा। तो हम लोग बहुत सारे अचार पापड़ बरी जो कि हमारे ही सदस्य हैं बिहार महिला ये महिला विकास मंच की जो सदस्य लोग हैं वो लोग वहाँ से अपने खिलौना अचार ये सब सारा चीज़ भेजती हैं। अच्छा। और हम लोग एक जगह एग्जीबिशन लगा के इसको सेल आउट करते हैं, उससे जो इनकम होता है। अच्छा, जिस तरह से अगर देखा जाए प्राइस की अगर बात कर लिया जाए तो आज ब्रांड ब्रांड लोग चिल्लाते हैं, और इसी कपड़े का अगर जाया जाए तो 10,000-20,000 लोग बोल देते हैं, गरीब व्यक्ति पहन नहीं पाता। इच्छा सबकी होती है, क्यों?
यहाँ हम लोग बहुत ही सस्ते ढंग से कपड़े को कस्टमाइज करते हैं और हर एक लोग इसको पहन सके उस रेंज में इसको बनाते हैं, और जिसका जो रेंज है उसी रेंज में हम लोग उनको डिजाइनर कपड़े बना के देते हैं। मेला लगा के इसको बेचा जाता है? जी बिल्कुल। कब कब मेला लगता है? मेला हमेशा, जैसे अभी दशहरा का मेला लगेगा, फिर होली में लगता है, तो साल में 4-5 मेला लगता है। और हम लोग बिहार से बाहर भी जाके कभी दरभंगा कभी कहीं भी जाके एग्जीबिशन। अच्छा, इसको बनाने में कितना समय, मान लीजिए इसको सूट को बनाने में कितना समय लगता है, एक सूट को बनाने में कितना समय लगता होगा? ये जैसे ये एक लहंगा ड्रेस है, तो इस लहंगा को ड्रेस बनाने में एक दिन में बन जाता है। एक दिन में खर्च क्या आता होगा? इस पे खर्च हम लोगों का सिर्फ स्टिचिंग का खर्च मतलब 1500 के लगभग आ जाता है। तो इसका प्राइस क्या रखती होंगी? प्राइस हम लोग मतलब 2500 के लगभग रख देते हैं, क्योंकि इसमें फैब्रिक भी हम लोग ही देते हैं, तो 2500 से 3000 के बीच में लहंगा मिल जाता है, जो कि बाहर नहीं मिलता है, बाहर 10 से 12 हज़ार। शादी अगर देखा जाए तो आजकल शादियों में बड़ा गजब का चला है कि बिन लहंगे का शादी कैसा, लहंगा तो हुआ महंगा अब कहाँ से होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो लहंगे के लिए अगर कोई आती है लेडीज जिसकी शादी होती है, तो कितने में आप लहंगा दे रही? सुंदर लहंगा जो लगता है कि मंच पर जब जाएगी तो नहीं इस मंच का नाम लिया जाएगा वहाँ पर जिस मंच पर शादी होती है। कम से कम मतलब 6000 तक में बहुत सुंदर ब्राइडल लहंगा बना के दे सकते हैं। अच्छा, बना के दे सकते हैं। हाँ। भैया ब्रांड छोड़िए ना, अपना बिहार बड़ा अजीब है और अपना कारोबार अपना रोजगार सबको मस्त लगता है, लेकिन यहाँ लोग हमेशा सोचते हैं कि विदेश आउट ऑफ कंट्री, जैसे चाइना, अभी देखे होंगे कि चाइना इस तरह से अगर चमक चमक हो तो लोग कहते हैं कि चाइना है, कहीं चाइना तो नहीं है ना? नहीं, ये चाइना नहीं है। ये हम लोग बहुत ही कस्टमाइज करके फैब्रिक मंगवाते हैं और रेंज में मंगवाते हैं, बहुत हाई रेंज नहीं रहता है और कपड़ा अच्छा रहता है। और लोग आजकल जैसे कि लोग जल्दी जल्दी कपड़ा बदलते हैं, एक कपड़े को रिपीट नहीं करते हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग चीप एंड बेस्ट कपड़ा बनाते हैं। मतलब सब कुछ बन जाएगा यहाँ पे, जो रोज पहनने वाला डेली जिसे लोग कहते हैं, यहाँ पर जो है तो लेडीज वाला ही मिलता है कि जेंट्स वाला? अगर गूगल पे आप किसी भी सेलिब्रिटी का पिक निकाल करके मेरे को देते हैं तो सारा यहाँ पे रेप्लिका बन जाती है। अच्छा, तो डेली वाला ड्रेस बनता है कि बस एक दिन वाला? डिजाइनर भी बनता है और सब तरह के पर्व त्योहार के लिए बहुत बनते हैं। हाँ। और मेन इसका उद्देश्य है कि जो महिलाएं हम लोगों से जुड़ी हुई है वो इसके थ्रू अपने घर बैठे बैठे रोजगार करें। अच्छा, रोजगार की अगर बात कर लिया जाए तो गांव में आज भी बेरोजगारी चरम सीमा पर है। अगर आपके संस्था के माध्यम से गांव में देखा जाए रोजगार देना चाहें, जैसे महिलाएं चाहती हैं कि बैठ के मैं कुछ कार्य कर लूं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे कि आपके संस्था के माध्यम से गाँव की जो लेडीज़ हैं बैठ के उल जुलूल करती हैं, मतलब झगड़ा वगड़ा करने लगती हैं, कम से कम ये आपके पास जाता उनके पास जाता तो झगड़ा से बचती और कार्य में बचती। जब तक हम बिजी रहेंगे ना, हमारे दिमाग में कुराफात नहीं आएगा, आज जैसे ही हम खाली होंगे तो आपके बारे में गलत सोचना चालू हो जाएगा, होता है ना? ये बहुत सही बात आपने पूछा है। अगर खाली दिमाग होता है तो बहुत सारे होते रहते हैं, तो महिलाएं जो बैठ के टीवी देखते रहती है, तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगी कि आप लोग कुछ अपना क्रिएटिविटी करिए, जो भी आपके घर में संभव हो। अगर आप घर से बाहर नहीं निकल सकती है तो जो आपके घर में संभव हो, बड़ी बना दीजिए, पापड़ बना दीजिए, अचार बना दीजिए, खिलौने बनाइए, या आप एप्लिक के काम करते हैं, बहुत सारे हैंड वर्क है जिसका कि देश से लेकर विदेश तक पे। अच्छा, आपके संस्था के माध्यम से, चूंकि वीडियो हमारे लोग देखते हैं, गाँव के लोग भी ज़्यादा देखते हैं, अगर देखा जाए तो गाँव की महिलाओं को क्या रोजगार होना चाहिए? अगर संस्था से मैं कहूँ कि नहीं, इस संस्था से मैं आपको रोजगार दे सकता हूँ, तो कैसे रोजगार दे के उन लोग को फायदा करवा देंगे, कौन सा रोजगार रहेगा? जैसे अभी रिसेंटली बक्सर से और बहुत जगह से जो हमारे महिला विकास मंच के सदस्य हैं, वो लोग अभी नेक्स्ट मतलब विद इन 15-20 डेज में एक एग्जीबिशन लगने वाला है, तो घर घर अचार और बड़ी और खिलौने तैयार हो रहे हैं और 15 दिन में यहाँ डिलीवरी सब हो जाएगा और इसको हम लोग बड़े एग्जीबिशन में एग्जीक्यूट करेंगे। अच्छा, तो आप देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मेरी बीबी, मेरी बहन और या फिर कोई भी लगता है कि वो काम नहीं कर रही है, तो इस महिला मंच से जुड़िए और आपको रोजगार आपको घर तक मिलेगा। आज झगड़ा करना छोड़ दीजिए, ये अच्छा वाला काम करिए ना, कायम बैठ के घर में झगड़ा करती हैं, झगड़ा करेंगी दिमाग खराब होगा, किसी से कहीं ना कहीं उलझा होगा, लेकिन इस तरह से अच्छा काम करती हैं तो ये आप लोग को। अच्छा, आपसे लोग से कंटेक्ट करना चाहें कि हम लोग रोजगार करना ही चाहते हैं, तो कैसे हो पाएगा? जो महिलाएँ कंटेक्ट करना चाहें तो
अच्छा बिहार से, बिहार से चाहे कहीं, हम लोग ऑल ओवर इंडिया में वो यहाँ कांटेक्ट करें, बिहार महिला विकास मंच को कांटेक्ट करें और हम लोग उनको उनमें जो भी टैलेंट है पहले उनका हम लोग देखेंगे कि उनमें क्या टैलेंट है, अगर नहीं है तो हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे। घर बैठने वाला रोजगार बताइएगा, क्योंकि देखिए दूर लोग नहीं जाना चाहते हैं, महिलाएं खासतौर से महिलाओं की, चूंकि आप एक महिला है और महिला के बारे में हम लोग बात करते हैं, महिला चाहती है, जैसे पति आपने कहा ना ये आपका मंच, जिस तरह से पति उत्पीड़न करता है तो महिला आपके पास आती है, कहीं से उत्पीड़न होता है तभी आपके पास आया। मान लीजिए कि किसी का पति शराबी निकल गया और वो चाहती है कि मैं खुद से कमाऊं और खुद से कमाऊं, दो बच्चे हैं उनको भी पालना, उनको हम लोगों ने मशीन प्रोवाइड कराया हुआ है और यहाँ से कटिंग वगैरह होके कपड़ा चला जाता है, वो घर बैठे वहाँ स्टिचिंग करके हम लोगों को दे देती है, हम लोग पर पीस पैसे उनको घर पे पहुँचा देते हैं। अच्छा, पर पीस पहुँचाती है। चलिए, अगर आपको लगता होगा तो आप महिला मंच से एक बार जुड़िए और निश्चित रूप से आपको रोजगार मिलेगा। जी बिल्कुल। हाँ, कितना रोजगार दे सकती, जैसे वैकेंसी निकलता है कि नहीं, 1,000, 2,000, 4,000? हम लोग महिलाओं को खुद सशक्त करते हैं कि आप में जो टैलेंट है उसको निकाल करके और आप घर में ही बैठ करके जो रोजगार करिएगा, वो तो जब महिलाएं देख लेती हैं कि हम क्या कर सकते हैं तो उनको खुद पता चल जाएगा कि हम लोगों ने उनकी क्या मदद की। कोई कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए जिस पे व्हाट्सअप कर लेंगे लोग, ये वीडियो बना के भेज दें। कॉन्टैक्ट नंबर तो अभी मैं अपना ही दे देती हूँ। एकदम एकदम बोलिए। हाँ, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334121693। एक बार और 9334121693। आप देख लीजिए इस पर व्हाट्सअप करें, अगर आप में हुनर है तो काम बोलता है, अगर आपको लगता है कि मैं घर पे बैठी हूँ मुझे रोजगार नहीं मिल रहा है, इंडिया के किसी कोने में आप बैठी हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ बिहार में, अगर इंडिया के किसी भी कोने में बैठी हैं तो आप एक बार महिला मंच से संपर्क करें निश्चित रूप से। ये नहीं कि आप सिर्फ झगड़ा करेंगी तो ये लोग समाधान करेंगे आपकी समस्या को और आपके पति से दूर नहीं करेंगी, आपको जोड़ देंगी। जब आप कमाने लगेंगे, लोग कहते हैं ना गांव में, अरे पति मार रहा है, बड़ा तकलीफ हो रहा है, कुछ काम मिल जाता तो मैं काम करने लगती। नहीं, फिर पति भी उनके साथ मिल जाएंगे कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारी हेल्प करता हूं। चले, जिस तरह से आप कानून को लेकर कार्य आप लोग करती है, आपकी संस्था कार्य करती है, उस तरह से एक समाज में और एक परिवार में आप लोग बढ़ाने का काम करती है। बहुत अच्छा लगा आप लोग का, जिस तरह से आप देख रहे हैं, अगर आप भी चाहती हैं और कोई भी महिला अगर चाहती है, कोई भी लड़की अगर चाहती है कि मेरे अंदर थोड़ा सा भी काबिलियत है तो आप किसी भी कार्य में, ये नहीं कि सिर्फ सिलाई कढ़ाई, किसी भी कार्य में आप अगर पद्धति में अगर आपको समय लगता है, समय दे पाती हैं तो निश्चित रूप से एक बार संपर्क करिए मैडम से, मैडम बताएंगी और आपको रोजगार आपके घर तक पहुंचाएंगी, ये मेरा वादा है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए वीडियो के साथ, मैं हूँ जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।